हाय नायरा, फर्स्टली वेलकम टू अवर चैनल एंड मैनी कंग्रेचुलेशंस। एक और रियलिटी शो अपनी बकेट लिस्ट में डाल रही हूँ। यस, थैंक यू सो मच। व्हाट यू हैव टू से, हाउ मच यू आर एक्साइटेड एंड व्हाट मेड यू चूज दिस रियलिटी शो? सो इट्स बीन ऑन माय माइंड फॉर कपल ऑफ इयर्स सिंस यू नो आई हैव बीन गेटिंग कॉल्स फॉर बिग बॉस अर्लियर आल्सो एज़ ऑल ऑफ यू ऑल नो इट वाज ऑलमोस्ट देयर लाइक आई एम गोइंग एंड देन लास्ट मोमेंट में फॉर सम रीजंस आई कुड नॉट डू इट और व्हाटएवर But this time the excitement level was different because I saw a couple of my friends doing Big Boss and then when I started watching the show, the truth was मैंने पहले देखा नहीं था। तो जब मैंने देखना शुरू किया मुझे इस चीज़ को देख के बड़ा मजा आया कि कैसे एक ही घर में अलग अलग personalities को बंद कर दिया जाता है। It's like lockdown, but lockdown is with your family, yes. family, and this is like with different personalities. बहुत ही एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट है ये, जहाँ पे आप अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। आप देख सकते हो कि हाउ डू यू कनेक्ट विद पीपल एंड हाउ डज योर ट्रू पर्सनैलिटी स्टैंड आउट अमंगस्ट ऑल द डिफरेंट पर्सनैलिटीज। सो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग थिंग एंड मुझे लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना अपने लाइफ में भी काफ़ी मदद करेगी। अलग अलग लोगों से किस तरह से डील करना है, कैसे उनके इमोशंस को समझना, उनके पर्सनैलिटीज़ को समझना, ये बेसिकली एक्टर को भी एनरिच करता है अपने काम में। Because at the end, we are also playing different personalities in real life as an actor in our profession. So I think this is what excited me the most. Well, also you know, इसी के साथ साथ लोगों के साथ तो मिलना ही, लेकिन भिड़ना भी पड़ेगा, उसके लिए आप कितनी रेडी हो? Also you know, one contestant they have revealed yesterday, निया शर्मा, क्या कहना चाहोगे उनके साथ, आपका बॉन्ड कैसा है? I have never really met her, honestly speaking. मुझे पता है निया शर्मा कौन है। In fact, सुहागिन चुड़ैल के लिए like you know they were in talks with me and then I came to know that after I couldn't do it, it was Nia and she was the perfect choice for सुहागिन चुड़ैल. So I'm quite I really like her her styling. I like the way she carries herself. I look forward to make friends with her. Challenges और you know जो लोगों से भिड़ना पड़ेगा उसके लिए आप कितनी रेडी हो? See, ready तो life में हम लोग कितने लोगों के साथ भिड़ते रहते हैं, लेकिन किस तरह भिड़ते हैं वो आपकी क्वालिटी होती है, तो जाके एक्सप्लोर करूंगी। और कुछ क्या एक्सप्लोर करना चाहती हो यू नो इस घर में? ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिग बॉस इज काइंड ऑफ अ प्रेशर कुकर जहाँ पे आप अपनी एक नई जर्नी को एक्सपीरियंस करेंगे, आप अलग अलग लोगों से मिलेंगे, आप अपने आप को भी, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ, अपने इमोशनल स्ट्रेंथ को भी टेस्ट करेंगे। तो आई थिंक इट्स गोना बी अ नाइस जर्नी फॉर मी वेयर आई विल अनलर्न अ फ्यू थिंग्स एंड आई विल लर्न अ फ्यू। वेल टाइम का तांडव होने वाला है और पता नहीं, ये कुछ ना कुछ तो होगा टाइम का तांडव, जो कुछ भी होगा। क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है ये टाइम का तांडव? टाइम ही बताएगा ना, एक बार अंदर जाएंगे सब टाइम ही बताएगा। सलमान खान से मिलने के लिए आप कितनी एक्साइटेड हो? बहुत एक्साइटेड हूँ, ये मेरी सेकंड मीटिंग होगी। फर्स्ट मेरी मीटिंग उस वक्त हुई थी जब मैंने बॉलीवुड में अपना लॉन्च लिया था। आई वाज लॉन्च्ड बाय प्रियदर्शन सर विद द फिल्म कॉल्ड कमाल कमाल वाला माल एंड ही वाज शूटिंग फॉर दबंग राइट नेक्स्ट टू माय सेट। So Priyan sir ki heroine sunke he agreed to come to meet me and all. I was a huge fan of him. So main unko mili and mujhe nahi pata wo mujhe yaad kar payenge ki nahi, lekin bahut excited unse fir se milne ke liye. Naira, also you know log kabhi kabhi Big Boss isliye choose karte hain apne aap ko test karne ke liye, apna mental strength test karne ke liye. Aap क्या अपना मेंटल स्ट्रेंथ या फिजिकल स्ट्रेंथ क्या कुछ टेस्ट करने जा रही हो? देखो, फिजिकल स्ट्रेंथ रियलिटी शो मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग टेस्ट तो लाइफ में हम रोज़ ही एक दूसरे को अपने आप को करते ही रहते हैं। ये टेस्टिंग भी होगा, ये रियलाइजेशन भी होगा और ये कॉन्फिडेंस भी होगा कि मैं इतने अलग अलग लोगों के साथ डील करने की हिम्मत रखती हूँ। तो आई थिंक इट्स मोर ऑफ एन एक्सपीरियंस फॉर मी, एक्सपीरियंस प्लस इट विल लिफ्ट मी इन माई लाइफ आई फील। वेल वहाँ पर क्लीनिंग, कुकिंग ये सब के लिए तो बहुत ज़्यादा पंगे होते हैं, आप कौन सा चूज करोगी वर्क और कौन सा नहीं करना पसंद करूंगी, किसके लिए आपके पंगे होने वाले? मैं कुकिंग, क्लीनिंग, गार्डनिंग, मैं सभी चूज कर सकती हूँ। मैं नेवल ऑफिसर की बेटी हूँ, बचपन से बहुत काम किया है मुझे किसी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाथरूम वगैरह से भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लोगों को ज्यादातर सेलिब्रिटीज को प्रॉब्लम होती है, वो देखेंगे, उस सेक्शन का मुझे नहीं पता, लेकिन बाकी चीजों में आई हैव नो इश्यूज एज ऑफ नाउ। ऑल्सो यू नो आप सिंगल जा रही हो और अंदर जाने के बाद बहुत रिलेशनशिप बनते हैं, या भाई का बनता है, या यू नो बेस्ट फ्रेंड मिल जाती है, या बॉयफ्रेंड मिल जाता है, आप कितनी फोकस्ड होकर जा रही हो कि आपको सिर्फ बस शो जीतना है, या यू नो अगर कुछ ऐसा मिलता भी है तो इट्स ओके? सी, शो जीतना
तो टॉप प्रायोरिटी है. उसके साथ रिश्ते जो बनते हैं वो बेसिकली वो हम कमाते हैं. तो देखते हैं, वो मुझे अंदर जाके पता चला. अभी मैं कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकती, अब मैं कुछ स्ट्रेटेजाइज नहीं कर सकती, बिकॉज लाइफ में आप काफ़ी सारी चीज़ें सोच के जाते हो और वो कभी होता नहीं है वैसे. लाइफ विल ऑलवेज गिव यू सरप्राइजेस. इट्स बेटर टू गो विद एन एक्सप्लोरिंग माइंडसेट. हाउ इज नायरा, लाइक इमोशनल है या यू नो बहुत ऐसी गुस्से वाली स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो मुंह पर है? बाकी क्या लगता है, आप मुझे 4 साल से देख रहे हो? मुझे लगता है कि मैं इमोशनल अपने बहुत ही क्लोज फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए हूँ. बिग बॉस में रिश्ते 2 दिन में नहीं बनते हैं. करेक्ट. उनको परखना पड़ता है, उन्हें कमाना पड़ता है. तो वो चीज़ इमोशनल आई डोंट थिंक सो उधर होना चाहिए मुझे. बट मेंटल स्टेट का कोई भरोसा नहीं होता. आप अगेन यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इट, यू कैन नॉट डिसाइड इट, यू नेवर नो कि वहाँ क्या होगा. शायद मैं इमोशनली बहुत कनेक्टेड हो जाऊँ किसी के साथ, यू नेवर नो. करेक्ट. सो आई एम गोइंग विद एन ओपन माइंड. वेल, किस किस से टिप्स लिया है? आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड निशान भी जाकर आए हैं, क्या उनसे टिप्स लिया है? उन्होंने क्या कुछ कहा है? उन्होंने बोला है जो जो मैंने किया वो सब कुछ मत करना. उन्होंने वो सारी चीज़ें मुझे समझाई है, सिखाई है. द थिंग इज़, मैंने कभी बिग बॉस देखा नहीं था और उन्होंने भी नहीं देखा था. एंड ही वॉज नॉट इन द जोन व्हेन ही एंटर्ड. सो ही सैट डाउन विद मी एंड ही टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नो रियलिटी शो में इट्स मोर अबाउट पर्सनैलिटी एंड यू हैव टू हैव योर ओपिनियंस. इफ यू डोंट हैव योर ओपिनियंस, इफ यू डोंट हैव, इफ यू डोंट शो व्हाट योर पर्सनैलिटी इज, व्हाट योर थॉट्स आर, व्हाट योर माइंड आर, पीपल आर नॉट गोना नो. लोगों को जानने के लिए आपको बोलना पड़ता है, आपको अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करने रहते हैं. यू कैन बी साइलेंट समटाइम्स बट नॉट ऑल द टाइम्स. साइलेंट जस्ट व्हेन ये आपके मुद्दे से या आपके थॉट प्रोसेस से, आपके पर्सनालिटी से कोई लेना देना ही नहीं है. देन यू कैन जस्ट डिस्कस विद योर फ्रेंड्स. बट व्हेन यू थिंक दैट यू नो यू हैव समथिंग टू कॉन्ट्रीब्यूट, प्लीज डू एंड कॉन्ट्रीब्यूट, डोंट कीप शट. दैट्स व्हाट ही एक्सप्लेन्ड मी. ओके. वेल, यू नो सब कहते हैं कि वो घर में एग्रेशन बताना बहुत ज़रूरी है और एग्रेशन का घर है. अगर वहाँ पर चुप रहते तो बहुत जल्दी बाहर निकल जाते. डू यू बिलीव दिस? चुप रहना एंड ओपिन एंड चुप रहना एंड अग्रेशन दिखाने में एंड ओपिनियनेटेड होने में बहुत फ़र्क होता है. अग्रेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं होती अपने ओपिनियन बताने के लिए, और चुप रह के आप अपना ओपिनियन बता नहीं सकते. यू हैव टू फाइंड अ मिडिल ग्राउंड. वेल, लास्टली जाते जाते वीकेंड के वार के लिए और सलमान खान की क्लास के लिए कितनी रेडी हो? अपुन तो हर एक क्लास, हर एक वीकेंड के बाद रेडी है भाई. ब्रिंग इट ऑन, देखते क्या करना है. लास्टली फैंस एंड व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहोगे? बस आपके आशीर्वाद और आपके वेल विशेस के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ. एंड आई डेफिनेटली ट्राई एंड गेट द ट्रॉफी होम. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, जस्ट वांट टू थैंक यू फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स एंड ऑल द सपोर्ट दैट यू आर गिविंग मी. नायरा, वन लास्ट क्वेश्चन. यू नो जब इस घर में स्टेप इन करते हैं, सबसे बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल शो है और जब कंटेस्टेंट्स के बारे में कॉन्ट्रोवर्सी होती है, सो आर यू रेडी फॉर दैट कॉन्ट्रोवर्सीज? यू हैव टू बी रेडी फॉर एनीथिंग इन लाइफ एनी विच वेज. कॉन्ट्रोवर्सी रियलिटी शो में हो या रियल लाइफ में हो या पब्लिक में हो या मीडिया में हो, यू हैव टू बी रेडी ऑल द टाइम. वी आर पब्लिक फिगर्स, वी आर ट्रेन विद दैट. ओह, थैंक यू सो मच.